नमस्कार, बीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में स्वराज्य महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की योजना, समूह राष्ट्रगान गायन का किया गया आयोजन। नकली देसी शराब की फैक्ट्री में पुलिस का छापा, नागपुर पुलिस द्वारा लाखों रुपयों की शराब की बोतलें जब्त। और नागपुर में शिवसेना की महिला आघाड़ी का आंदोलन, दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में आयोजित किया गया था। अनुबंध अ में वर्णित स्वराज्य महोत्सव के तहत राज्य स्तरीय कार्यक्रमों की योजना में समूह राष्ट्रगान गायन 17 अगस्त को सुबह 11 बजे आयोजित किया गया था। इस अवसर पर रविंद्र ठाकरे, अपर आयुक्त नागपुर दशरथ कुलमेठे, उपायुक्त नागपुर अशोक वाहने, परियोजना अधिकारी नागपुर सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। आजकल की युवा पीढ़ी तंबाकू जैसे हानिकारक चीजों की तरफ खींची चली जा रही है। भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नागपुर के जरीपटका इलाके में हेमू कॉलोनी चौक और जनता चौक, इन जगहों पर तंबाकू की गैरकानूनी बिक्री की जा रही है। इसलिए अब जरीपटका पुलिस द्वारा नागरिकों को आह्वान किया जा रहा है। तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत में हर 10वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करता है। तंबाकू के ज्यादा सेवन करने से फेफड़ों के कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तंबाकू में क्रोमियम, आर्सेनिक, बंजोपायरिन्स, निकोटीन, नाइट्रोसामाइंस जैसे तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही उच्च रक्तचाप की समस्या भी खड़ी हो जाती है। लेकिन नागपुर के जरीपटका इलाके में खुलेआम तंबाकू की गैरकानूनी बिक्री की जा रही है। इसलिए जरीपटका पुलिस लोगों को आह्वान कर रही है कि तंबाकू का सेवन ना करें और इस प्रकार की कोई भी जानकारी हो तो पुलिस को दे। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। राजस्थान में दलित छात्र की हत्या तथा उत्तर प्रदेश में 18 घंटे मुख्याध्यापक ने छात्र को बंद रखने के विरोध में आज डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके पुतले के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। आरोपी को फांसी देने की मांग भी इस समय की गई। एक तरफ देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ दलितों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती उत्सव समिति तथा सभी आम्बेडकर अनुयायियों ने इस अन्याय के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कर हत्या में लिप्त आरोपी को फांसी देने की मांग कर 18 घंटे छात्रों को यातना देने वाले मुख्याध्यापक पर भी कड़ी कार्रवाई की मांग कर SDO गोंदिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। अवसर पर विलास राउत, अमित भालेराव, दिनेश गेड़ाम, सतीश बंसोड़, सुशीला भालेराव, मधु बंसोड़, विनीत सहारे, अनिल सुखदेवे, राहुल वालदे, विजय रगड़े, श्याम चौरे, जितेंद्र सती, सेवक रोहित, वैद्य हंशु वासनिक, रामचंद्र पाटिल, सतीश पारधी, दीपक देशभ्रतार, प्रवीण बोरकर आदि सैकड़ों प्रमुखता से उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। मनुवाद की क्या पहचान, देश भर दलित हत्या निषेध, देश भर दलित हत्या निषेध। मनुवादी सरकार
सरकार का। अगस्त को जब देश आजादी के अमृत महोत्सव की वर्षगांठ मना रहा था, ऐसे में दिल्ली से मीलों दूर राजस्थान में जालौर जिले में सुराना में एक घटना घटित हुई। वह इतनी निर्दयी अमानवीय थी कि एक 9 साल के दलित छात्र को खाली इस बात के लिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक सवर्ण अध्यापक के पीने के पानी के मटके से पानी ले लिया। इस बात से सवर्ण अध्यापक खफा होकर उस दलित छात्र इंद्र मेघवाल को इतना पीटते हैं कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो जब हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो देश की सारी जनता को इस बात पर बहुत गहन सोचना होगा और ये बड़ा मजबूत प्रश्न हमारे सामने है कि जब 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को उनके जान माल की गारंटी देते हैं, महिला सम्मान की गारंटी देते हैं, और कुछ ही मील दूर राजस्थान में एक दलित छात्र को इस बात के लिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने सवर्ण अध्यापक के मटके से पानी पी लिया। तो ये घोर निंदनीय ही नहीं, ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना के विरोध में हम लोगों ने यहाँ ये प्रोटेस्ट आयोजित किया है जिससे कि इस देश की प्रदेश की सरकारों को ये चेतावनी दी जा सके कि दलित भी जो है वो इस देश का हिस्सा है, इस देश का अंग है, उनका भी बराबरी का हिस्सा है, उनकी भी बराबरी की भागीदारी है। ऐसे में जब देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उनको भी ये इंश्योर किया जा सके कि भाई तुम्हारा भी इस देश में बराबरी का हिस्सा है। और ये बात की चेतावनी देने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं कि जिन लोगों ने, जिस अध्यापक ने उस दलित छात्र के साथ अमानवीय हरकत की, उसको जांच करके, छानबीन करके मृत्युदंड दिया जाए, फांसी की सजा दी जाए, फांसी से कम की कोई सजा। त्या हुकुमशाहीचा पुरजोर विरोध करण्यासाठी आज ही एवढी जी घटना झालेली आहे, एवढी जी निंदनीय घटना झाली आहे, खेदानं म्हणावं लागते की आपला एकही नेता आज बोलणारा नाही आहे। आणि हा जो एवढा मोठा समाज आहे, ह्या समाजाचा वाली आपल्याला मिळाला नाही असं आपल्याला खेदानं म्हणावं लागते। आणि म्हणून आपली ही जिम्मेदारी बनते की आपण सर्वच, चाहे आपण कोणत्याही पक्षाचे असो, हे पक्षाचे झेंडे आपण बाजूला करून आपण एकजूट होऊन सामाजिक एकजूटता दाखवून ह्या अत्याचाराचा, ह्या हत्येचा निषेध केला पाहिजे आणि पुरजोर निषेध केला पाहिजे। असं नाही की बस नॉमिनल मेमोरँडम दिला, याचा पाठपुरावा झाला पाहिजे आणि जोपर्यंत याचा आउटपुट निघत नाही, जोपर्यंत दोषींना सजा मिळत नाही, तोपर्यंत याचा आपण पाठलाग केला पाहिजे। हुडकेश्वर पोलीस थाना अंतर्गत पुलिस ने कुही में नकली देसी शराब की फैक्ट्री में छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस द्वारा लाखों रुपए की शराब की बोतलें बरामद की गई है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। कल रात डीसीपी जोन 4 नूरुल हसन के मार्गदर्शन में हुडकेश्वर पुलिस ने एक वाहन को पकड़ा जिसमें 500 बोतल देसी शराब थी। पूछताछ करने पर चालक ने वड़दगांव तालुका कुही में नकली देसी शराब की फैक्ट्री के बारे में बताया। इस पर पुलिस ने फैक्ट्री में छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में लाखों रुपयों की मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई। आरोपियों पर बॉम्बे अधिनियम के तहत और IPC की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और आगे की जाँच हुडकेश्वर पुलिस कर रही है। काल दिनांक 16/8/2022 रोजी हुडकेश्वर हद्दी मध्ये एक वाहन सापडला होता ज्याच्यामध्ये जवळपास 500 बनावट दारूची बॉटली मिळाली होती।
त्याचे ड्रायव्हरला आम्ही इंटरोगेट केले, त्यांनी नकली दारूची फॅक्टरीबद्दल आम्हाला सांगितले. होडकेश्वरची टीम तिथे जाऊन रेड केली तर एक मोठा कारखाना, नकली दारूचा मोठा कारखाना मिळाला ज्याच्यामध्ये रॉकेट ब्रँडची दारू तयार होत होती. फॅक्टरीमध्ये जाऊन आमची टीमनी तपासणी केली आणि सर्च केली, तिथे जवळपास 1,00,000 खाली बाटल भेटली, मशिनरी भेटली, जवळपास 18,000 रेडी बॉटल होती नकली दारूची ते भेटली, 5 ड्रम भेटले, 2 कार भेटली आणि नकली दारू तयार करण्याचा वेगवेगळा साहित्य तिथे बरामद झालेला आहे. रात्रीला आम्ही तात्काळ एक्साईज सुप्रिटेंडला इन्फॉर्मेशन दिले, आमचे ACP सीनियर PI तिथे जाऊन व्हिजिट केलेली आणि प्रेमाईस सील केला. नंतर एक FIR दाखल झाली, 565/22 IPC आणि महाराष्ट्र पोल्युशन ॲक्टचे वेगवेगळे सेक्शनमध्ये एक FIR झालेली आहे. आतापर्यंत 2 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहे आणि इतर आरोपीची शोध चालू आहे. सर, हे जे अटक आरोपींचं काही रेकॉर्ड आहे का? कुठे कारखाना सुरू होता आणि कधीपासून सुरू होता, काय प्राथमिक? आता प्राथमिक माहिती अशी मिळाली आहे की जवळपास 1 ते 1.5 महिन्यापासून ते कारखाना चालू होता. आरोपीबद्दल इतर तपास चालू आहे. सर, हे जे दारू आहे हे हानिकारक आहे, नकली आहे का? काय याबद्दल पुरावे आहेत? प्राइमफेसी नकली वाटत आहे, तरी पण आम्ही एक्साईज सुप्रिटेंडेंट कडून खात्रीशील माहिती घेत आहे. काही वैसपला विकत होते? पार्डन, वैसपली मिळते? याबद्दल इतर आम्ही तपास करत आहे. आत्ता एकदम फर्स्ट डे आहे तपासाचा, ज्या पुढे आम्हाला माहिती मिळाली तर आम्ही शेअर करू. सर, काही आरोपीचं नाव निष्पन्न शकते का? काय सांगताय, मूळ मालकाचं नाव काय काय? ज्यावेळेस आम्ही अटक करू त्यावेळेस आम्ही सांगू. VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर. बॉस ने मीटिंग बुलाई. बाहर बाहर उठो बैठो. तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. स्वागत है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला परिषद सदस्य दुधराम सवाला के द्वारा ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया. इस वक्त हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति छात्रों की सहज प्रतिक्रिया देखी गई. इस अवसर पर बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला परिषद सदस्य दुधराम सवाला के द्वारा उत्साह पूर्वक ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया. सरस्वती कॉन्वेंट नगरधन में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई.
सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रति छात्रों की सहज प्रतिक्रिया देखी गई। गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य दुधराम सवालाखे ने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरधन में ध्वजारोहण किया। इस वक्त रमेश बिरंबर, पूर्व पार्षद दामोदर धोपटे, कांग्रेस नेता असलम शेख, सरस्वती कॉन्वेंट के अध्यक्ष सुधाकर कामड़ी और छात्र इस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए। आज आपल्या देशामध्ये 75वा स्वातंत्र्य दिवस आपण साजरा करीत आहे। त्याचा अमृत महोत्सव 3 दिवसापासून आपल्या भारतामध्ये सुरू आहे। घर घर तिरंगा, सगळ्या गावागावात घराघरामध्ये आपण तिरंगा आपल्या घरी लावत आहोत आणि हा उत्सव साजरा करीत आहोत। कोयला मंत्रालय जल्द ही कोयला खदान कर्मियों की पेंशन को लेकर नया कानून पारित करेगा। तदनुसार निजी कंपनियों को भी प्रति टन कोयला उत्पादन से श्रमिकों की पेंशन के लिए एक निश्चित वित्तीय योगदान देना होगा और सरकारी कंपनियों को भी पहले से अधिक योगदान देना होगा। भारतीय कोयला मंत्रालय के सचिव अनिल कुमार जैन ने ये जानकारी दी। भंडारा गोंदिया में 35 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाते हुए शिवसेना की महिला आघाड़ी ने आज नागपुर के वैरायटी चौक पर नारेबाजी करते हुए आंदोलन किया। इस वक्त शिवसेना के महिला मोर्चा की पूर्व विदर्भ प्रमुख शिल्पा बोड़खे ने सवाल किया है कि इस सरकार के दौरान महिलाएं सुरक्षित नहीं है और भाजपा नेता चित्रा बाघ अब कहाँ है। इस दौरान हाथ में तख्ती लेकर आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। जय महाराष्ट्र। मी शिल्पा बोडखे, पूर्व विदर्भ संपर्क प्रमुख आणि प्रवक्ता। आज आम्ही इथं जे आंदोलन घेतलेलं आहे ते या भंडाऱ्यामधील जी 35 वर्षीय महिला आहे तिच्यावर जो सामूहिक अत्याचार 15 दिवसाच्या आधी झाला, त्या आरोपीचा जो पहिला आरोपी आहे ज्याने पहिल्यांदा तिच्यावर अत्याचार केला तो दोषी अजून पकडला गेलेला नाही आहे। 15 दिवसाच्या वर झाले तरी ह्या शिंदे भाजप सरकारमध्ये हे सत्ता पिपासू सरकार आहे आणि यांच्या सरकारमध्ये तो दोषी अजून पकडलेला जात नाही। मी तर चित्रा वाघला प्रश्न विचारू इच्छिते, चित्रा वाघ सरकार तुमचंच आहे ना, मग तुम्ही काय करत आहात? तुमच्या सरकारला जाब विचारा की तो दोषी अजून पकडला का गेलेला नाही आहे। त्या महिलेची अवस्था किती खराब आहे, त्या महिलेला अजूनपर्यंत शासनाची मदतसुद्धा मिळालेली नाही आहे आणि या अशा असताना फक्त ह्या शिंदे भाजपा सरकार फक्त सत्ता पिपासू आहे, यांना फक्त सत्तेचा मोह आहे। ज्या सरकारमध्ये महिला बाल विकासासारखं खातंसुद्धा यांना पुरुषांना द्यावं लागतं, यांच्या मंत्रिमंडळाच्या विस्तारामध्ये महिलेला संधी मिळत नाही आणि महिला बाल विकासासारखं खातं पुरुषांना द्यावं लागतं, यांच्याकडून महिलाच्या सुरक्षेची आम्ही काय अपेक्षा करणार, हा सगळ्यात मोठा इथे प्रश्न उपस्थित झालेला। आणि म्हणून त्या महिलेचा शासनातर्फे मदत मिळाली पाहिजे आणि सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे तो जो दोषी आहे तो पहिले पकडला गेला पाहिजे। ही आज मागणी आणि हे जे अत्याचार वाढत आहे दिवसेंदिवस याला कुठेतरी आळा बसला पाहिजे हे लक्ष वेधण्याकरिता आज शिवसेना महिला आघाडी फक्त नागपूरच नव्हे तर पूर्ण पूर्व विदर्भामध्ये आम्ही आज निषेध आंदोलन करतो। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर आजादी गौरव पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज की युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान और त्याग के महत्व का एहसास कराने के लिए और भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 12 अगस्त को नरखेड़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आजाद गौरव पदयात्रा का उद्घाटन किया गया था। ये यात्रा काटोल, कलमेश्वर, सावनेर, पारशिवनी और रामटेक तक पहुंची। रामटेक में आजाद गौरव पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री सुनील केदार और नागपुर जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मूलक, विधायक अभिजीत वंजारी, कांग्रेस नेता पर्यटन मित्र चंद्रपाल चौक से, जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, जिला परिषद सदस्य दुधराम सवालाखे, जिला परिषद सदस्य शांता कुमरे, रामटेक तालुका कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैलाश राउत, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व पार्षद दामोदर धोपटे, कांग्रेस नेता किशोर गजबिये, पीटी रघुवंशी, सलील देशमुख, तुलाराम मेंढे, कुंडा राउत और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद के पूर्व पदाधिकारी, नगर पंचायत के सभी पार्षद, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, इंटक, NSUI, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग और विभिन्न प्रकोष्ठों के अनुसूचित अधिकारियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। राजस्थान के जालौर जिले के सुराना में सरस्वती विद्यालय के चैल सिंह नामक उच्च वर्ग के प्रधानाध्यापक ने 3री कक्षा के 9 वर्षीय दलित छात्र इंद्र कुमार मेघवाल ने प्रधानाध्यापक के पानी पीने के बर्तन को हाथ लगाया, इसीलिए उसे बुरी तरह से पीटा।
जिससे उसके कान की नस फट गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भारतीय बौद्ध महासभा इस घटना की कड़ी निंदा कर रही है और जातिवादी विकृत रवैये के प्रधानाध्यापक चैल सिंह को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। राजस्थान मधील इंद्रपाल मेघवाल या छोटाशा बालकाला एक शिक्षकाने पाण्याच्या हंड्याला स्पर्श केल्यामुळं त्यांना मारलं आणि मारल्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला, त्या निषेधार्थ आजचा हा निषेध सभा आहे। भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने व अखिल भारतीय भिक्खू संघाच्या वतीने आम्ही अशा शिक्षकाचा निषेध करतो। या भारत देशामध्ये पुन्हा घटना निर्माण होऊ नये। राजस्थानमध्ये ज्या पद्धतीने एका शिक्षकाने त्याच्या पिण्याच्या पाण्याच्या हंड्याला हात लावला म्हणून मारहाण केली, त्या 9 वर्षीय विद्यार्थ्याचा 23 दिवस इलाज केल्यानंतर मृत्यू झाला, अशी ही अमानुष घटना या राजस्थानच्या एका शिक्षकाने केली। त्या नराधम शिक्षकाचा निषेध करण्यासाठी आणि या देशाला आता 75 वर्ष झालेले आहेत स्वातंत्र्य मिळून, त्याचा अमृतकाळ साजरा करावा म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे संबंध देशातल्या जनतेला जल्लोष करण्यास सांगतात। आणि जल्लोष ठीक आहे, पण लोकांच्या मनातील स्पृश्य अस्पृश्य भावना, छूत अछूतची भावना 75 वर्षात या सरकारनी काढू शकले नाही लोकांच्या मनातील, हे या सरकारचं अपयश आहे। संविधानानुसार देश चालेल तर या देशात प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे अधिकार शाबूत राहतील, पण जर या संबंध विचाराने हा देश चालला तर या घटना दिवसेंदिवस आम्हाला वाढलेल्या दिसतात आहे, याचा निषेध। आणि 75व्या वर्षामध्ये या पद्धतीची घटना होणे हे राज्यकर्त्यांसाठी लांछनास्पद आहे। त्यांनी या घटनेचा आपल्या स्तरावर शासकीय स्तरावर निषेध करावा आणि त्या शिक्षकाला कठोरात कठोर शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी आम्ही या ठिकाणी बसलेलो आहोत। आम्ही आमचं निवेदन राष्ट्रपतीला कलेक्टरच्या माध्यमातून पाठवलेलं आहे। तो वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।